नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना परिचय देते हुए अपने पंचायत के बारे में कुछ कार्य बताइए जो आपके जीतने के बाद आपने अपने क्षेत्र में अपने पंचायत में जो महत्वपूर्ण कार्य आपने किए हों। हमने जीतने के बाद रोड नली गली का काम हुआ, 5-6 गो योजना हुआ और नल जल के भी सभी काम बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। पंचायत में सर इंदिरा आवास और राशन कार्ड को लेकर के जो कुछ समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये समस्या क्या है और क्या समस्या का निदान कितनी जल्दी हो सकेगा। हमारे जो भी इंदिरा आवास की समस्या है अभी तो नया में नहीं आ पाया, पुराना वाला जो भी है वो मुखिया जी थे, आज भी वही मुखिया जी हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बहुत इंदिरा आवास तो मेरा पंचायत में बहुत मिला और बहुत अभी है ऐसा पड़ा हुआ कि जो आगे बढ़ते आ रहा है, वो तो सीरियल बाय सीरियल होता है। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा से चल रहा है, जनता को मकान भी बन रहा है, बहुत बना और जो भी बचा हुआ है इस बार नया वाला में सब लोग को पूरा हो गया। मतलब कि आपके आने के बाद जो कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत जनता के बीच है, जो आपके पंचायत में ये समस्याएं थोड़ी बहुत है, वो आप जल्द से जल्द उसको उसका निपटारा करेंगे और उस पर ध्यान देंगे। हम लोग बहुत अच्छा से उसको जितना जल्द होगा कि उसको निपटारा करके ख़त्म कर लें। अच्छा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में हम सब चाहेंगे कि सर अभी होली का त्यौहार है, आपके तरफ से क्या कुछ शुभकामनाएं रहेगी? हम लोग के तरफ से यही है कि पूरे मेरे बिहार वासी हो और मेरा जमसौद पंचायत के जितना नगरवासी हो, सब लोग के हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रहे, बहुत अच्छा सब तरह के पर्व त्यौहार निपट जाए, रंगों का त्यौहार सही तरीके से और सावधानी पूर्वक मनाया जाए। चलिए सर, हम चाहेंगे कि लास्ट में आप अपना नाम और अपने पंचायत का नाम जरूर। मैं जमसौद पंचायत का उपमुखिया हूँ, मेरा नाम रघुदेव कुमार हुआ। धन्यवाद सर।